देवे प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद वेश्वेश्वर पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदवेश्व बुद्धि श्रद्धा शतांकुलजन प्रभवस्वलज्जां तं त्वं नताश्म परिपालय देवी विश्वम्। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी। मैं हूं आपके साथ पंडित चंद्रशेखर शर्मा, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। देखते हैं इस सप्ताह आपको आपके राशि के अनुसार क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह आपका प्रिय आपको बहुत से कड़वे शब्द कहते हुए अपने प्रेमी संबंध की सच्चाई से आपको रूबरू करा सकता है, जिससे आपका मूड इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य आपके छठे भाव में मंगल और बुध के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस समय किसी भी अविश्वसनीय व्यक्ति के समक्ष अपने मन में चल रही दुविधाओं को रखने से बचें, अन्यथा इससे आपका प्रेमी आहत भी हो सकता है। किसी पड़ोसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की वजह से इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में भी अनबन हो सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में चित्रा नक्षत्र का चंद्रमा 5 डिग्री के साथ गोचर कर रहा है, क्योंकि संभव है कि ये लोग आपके साथी को भड़काने का कार्य करें, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवती के लिए लाल चंदन अर्पण करें। अब आते हैं वृषभ राशि। तो देखते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह आपके मुंह पर हंसी तो रहेगी लेकिन चमक कुछ फीकी दिखाई देगी, क्योंकि आपकी मुस्कान बेमानी होगी, जिससे प्रेमी ये बात समझ जाएगा कि आपकी हंसी में वो खनक नहीं है और आपका दिल भी इस दौरान धड़कने में आनाकानी करेगा। ऐसे में इससे पहले आपकी इस उदासी का प्रेमी गलत मतलब समझे, उससे पहले ही अपने जीवन में चल रही उठापटक के बारे में उन्हें अवगत कराएं। मुमकिन है कि अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के कारण आपका जीवन साथी इस सप्ताह आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल, क्योंकि आपके पंचम भाव में सूर्य मंगल और बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन कुछ दुखी हो सकता है। ऐसे में अंदर ही अंदर घुटने की जगह साथी के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप उन्हें अपने दिल की बात समझा सकेंगे। तो आपके लिए शुभ उपाय है आप भगवती के लिए कदली फल अर्पण करें। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको दिल से आप अपने संगी को खुश करने की कोशिश इस सप्ताह करते नजर आ सकते हैं। किसी तीसरे शख्स की वजह से यदि आप दोनों के बीच दूरियां आई थीं तो वह इस दौरान दूर हो सकती है। प्यार की गाड़ी वापस पटरी पर आ जाएगी और आप फिर से प्यार के रंगों में रंगे दिखेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा 7 डिग्री के साथ तुला राशि में गोचर कर रहा है। संगी को खुश रखने के लिए व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु आपके अष्टम भाव में श्रवण नक्षत्र के शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब आपको अपना कुछ समय घर पर अधिक बिताने की जरूरत है। आपके लिए शुभ उपाय है आप नित्य प्रति पान और सुपारी भगवती को चढ़ाएं। अब आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जो जातक हैं आपको कार्य क्षेत्र पर चल रही विपरीत परिस्थितियों के कारण इस सप्ताह आप अपने प्रिय की बातों के प्रति जरूरत से ज्यादा संवेदनशील दिखाई देंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र के शुक्र 5 डिग्री और अनुराधा नक्षत्र के केतु 8 डिग्री के साथ आपकी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और आपके आय भाव में स्थित राहु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ती है।
ऐसे में इस दौरान आपको सबसे अधिक अपने जज्बात पर काबू रखने के साथ साथ ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिससे आपके मामले और अधिक ना बिगड़ें। इस सप्ताह आपके जीवन साथी के व्यवहार में बहुत बदलाव आने की आशंका है। इस दौरान आपका साथी कुछ आत्म केंद्रित भी नजर आएगा और उनका ये बदलता स्वभाव आपको नागवार गुजरेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और गुरु अपनी बकरी अवस्था में युति बनाकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे को बात बात पर ताने मारते नजर आएंगे। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप सप्तवर्षीय कन्या के लिए अपने घर लाकर उसके पैर धोकर उसके लिए भोजन कराएं, यथाशक्ति उसको प्रसन्न करने की कोशिश करें, उसको ऐसे गिफ्ट दें। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं, यदि आप अपने प्यार के रिश्ते को और भी मजबूत करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको लव मेट को यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने खास हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके लव मेट का भी आप पर विश्वास बढ़ेगा और बदले में वो भी आपके लिए कुछ खास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके प्रेम भाव पर हस्त नक्षत्र के मंगल जो 20 डिग्री के साथ आपके द्वितीय भाव में हैं उनकी दृष्टि पड़ रही है। इस राशि के विवाहित जातकों को इस सप्ताह अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि अपनी मकर राशि में गोचर कर रहा है। आप दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे और एक दूसरे का सहारा बनेंगे। यदि आप जीवन साथी की व्यर्थ की बातों पर प्रतिक्रिया ना दें तो इस समय आप कई परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर भी आपको इस हफ्ते जीवन साथी पर संदेह ना करने की सलाह दी जाती है। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवती के लिए 4 लौंग के जोड़े चढ़ाएं। अब आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में सवर्ण नक्षत्र के शनि और घनिष्ठा नक्षत्र के गुरु की युति मकर राशि में गोचर कर रही है, जिसके कारण आपको इस बात का एहसास भी होगा कि यह बातें ही आपके प्यार में रस घोलने का काम करेगी और आपका प्रियतम इस दौरान अपनी मीठी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में यह अवधि आगे बढ़ाने का समय होगा। इस सप्ताह आपके साथ कई ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर सूर्य बुध मंगल और चंद्रमा जो लगन में स्थित है पूर्ण रूप से दृष्टिपात कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बना रही है और इस योग की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपका जीवन साथी ही आपका असली हमदम है, जिस पर आप आंख मूंदकर विश्वास कर सकते हैं। तो आपके लिए जो शुभ उपाय है कि आप बुधवार के दिन लाल पुष्पों के साथ भगवती की पूजा अर्चना करें। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह हफ्ता प्रेम में पड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटती प्रतीत होंगी और आप प्रेम जीवन के शुरुआती दिनों की तरह प्रेमी के प्रति अपना आकर्षण महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि अपने द्वादश स्थिति में आपके चौथे भाव यानी मकर राशि में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं और दोनों ही अपनी बकरी अवस्था में स्थित हैं। यदि अभी तक आप समझते थे कि शादी महज समझौतों का नाम है तो इस सप्ताह आपको खुद गलत सिद्ध होते हुए मिलेगा। इस हकीकत का अनुभव करने का अवसर आपको मिलेगा, क्योंकि इस दौरान आप जानेंगे कि यह आपके जीवन की सबसे अच्छी घटना थी, जिसके बाद आप खुद को अपने साथी के और भी ज्यादा करीब पाएंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल चंद्रमा बुध और सूर्य के साथ आपके 12 भाव यानी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप मंगलवार को भगवती के लिए गुड़ का भोग अर्पण करें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह अपनी खराब सेहत के चलते आपके रोमांस और प्रेम को दरकिनार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ती है जो मकर राशि में गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। इससे आपके स्वभाव में कुछ बेचैनी भी दिखाई देगी।
जिसके चलते आप अपने प्रियतम से भी नोक झोंक करते रहेंगे। इस सप्ताह ससुराल पक्ष से अचानक किसी का आगमन आपके दांपत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में कृतिका नक्षत्र के राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और लग्न में बैठे शुक्र और केतु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, क्योंकि इस दौरान आप अपने साथी के साथ कुछ प्रेम भरा समय व्यतीत करना चाहेंगे, परंतु घर पर मेहमान की मौजूदगी इसमें विघ्न डालने का कार्य करेगी, जिससे आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो आपके लिए सो उपाय है कि आप सोमवार को भगवती के लिए दही अर्पण करें। अब आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह आपका प्रेमी आपको मनाने की कोशिश करता दिखाई देगा और उनके इस प्रयास को देखकर आपको अंदरूनी खुशी की अनुभूति होगी, जिससे आपका रिश्ता बेहतर होगा और साथ ही आप दोनों किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल कन्या राशि में बुध और सूर्य के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है। विवाहित जातकों के लिए यह समय पूर्व सप्ताह के अनुमान में काफी बेहतर रहेगा और खास तौर से सप्ताह का अंत आपके और जीवन साथी के बीच आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे आप दोनों के बीच आ रही कई गलतफहमियां भी दूर हो सकेंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध केंद्र भाव में आप अपनी कन्या राशि में मंगल और सूर्य के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए शुभ उपाय है, आप सोमवार के दिन दुर्गा के मंदिर में चौमुखा दीपक जलाएं। अब आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह प्यार में उम्मीद से कम अच्छे परिणाम मिलने से मन कुछ निराशा का भाव उत्पन्न होने की आशंका है, परंतु अच्छी बात यह है कि अगर आप इस दौरान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारेंगे तो सप्ताह के अंतिम भाव तक आप प्रेमी से स्नेह सहयोग और रोमांस की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में कृतिका नक्षत्र का राहु 8 डिग्री के साथ वृषभ राशि यानी अपनी उच्च राशि में गोचर करने रहे। गुरु की दृष्टि भी आपके प्रेम भाव पर पड़ रही है। इस सप्ताह आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने दांपत्य जीवन से जुड़ा कोई भी निर्णय लेते समय या कोई भी योजना को बनाते समय जीवन साथी की इच्छाओं का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जीवन साथी से बिना पूछे यदि आपने कोई भी योजना बनाई तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की आशंका सबसे अधिक रहेगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा आपके करियर भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए ऐसा करने से बचना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि भगवती के लिए लाल चुनरिया अर्पण करें। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर खाने या घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। ऐसे में प्रियतम के साथ डेट पर जाते समय उन्हें किसी भी नाराजगी का मौका ना दें और जब आप अपने प्रिय के साथ बाहर जाएं तो अपने पहनावे और वर्ताव में सकारात्मक नयापन रखें, क्योंकि इससे ही आप उन्हें आकर्षित करने में सफल रहेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आपके प्रेम भाव के स्वामी बुध आपके अष्टम भाव में मंगल और सूर्य के साथ कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग बना रही है। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ किसी सैर सपाटे का मजा ले सकते हैं, क्योंकि साथ में समय गुजारने के लिए इस समय आपको कई बेहद बढ़िया मौके देगा। ऐसे में इस उत्तम समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको भी अपनी ओर से जीवन साथी को खुश करने का प्रयास करना होगा। तो आपके लिए शुभ उपाय है कि आप नित्य प्रति दुर्गा कवच का पाठ करें। अब आते हैं मीन राशि। तो इस समय में आप अपने प्रियतम के साथ प्रेम पूर्वक समय बिता पाएंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि बन रही है, जो आपके आय भाव में युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। उनके साथ दूर घूमने जाने के योग भी बनेंगे और आप अपने रिश्ते में मधुरता बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि इसके लिए आपको कम प्रयासों के बाद भी सफलता प्राप्त हो सकेगी। इस सप्ताह शादीशुदा जातकों के ऊपर प्रेम और कामुकता दोनों ही हावी रहेगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में शुक्र और केतु की युति आपके वृश्चिक राशि में बनी रही हुई है। इसके अलावा सप्तम भाव में बुध का अपनी कन्या राशि में गोचर करना भी आपके लिए शुभ है, जिसके कारण आप जीवन साथी के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करते हुए
उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। साथ ही आपको इस सप्ताह जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपका साथी आपके पक्ष में रहेगा और उनके द्वारा इस दौरान किसी भी कार्य में आपकी मदद भी की जाएगी, जिससे आप अपने रिश्ते में सालों बाद नयापन महसूस करेंगे। तो आपके लिए शुभ उपाय है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चे, इस मंत्र का नवान मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। मंत्रार्थ सफला शंतु सफला शंतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम मुदीयस्तवः ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, अगले सप्ताह फिर हाजिर होते हैं आपके नए राशिफल के साथ। नमस्कार।